मैंगो का सीज़न है और मैंगो से हम तरह तरह के डिज़र्ट्स बनाना बहुत पसंद करते हैं तो आज मैं आपके लिए मैंगो योगर्ट पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ये बहुत ही आसान है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में एकदम आसानी से बन जाता है और ये जो पुडिंग है ये इसको मैंने स्टीम करके बनाया है तो बनाने में भी कोई झंझट नहीं है बहुत ही आसानी से बनता है और इतना ज़्यादा डिलीशियस लगता है ना कि बस मुंह में जाते ही खुल जाता है इतना मज़ेदार लगता है तो कुल्फ़ी आइसक्रीम वगैरह तो आपने बहुत बनाई होगी मैंगो के साथ एक बार ये मैंगो योगर्ट पुडिंग बना के देखिए आप सब इसके फ़ैन हो जाएंगे तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बनाना ये डिलीशियस स्टीम्ड मैंगो योगर्ट पुडिंग तो सबसे पहले हम बनाएंगे हंग कर्ड तो इसके लिए एक सॉस पैन में मैंने एक स्ट्रेनर रख लिया है इसके ऊपर मैंने एक मलमल -मल का साफ कपड़ा रख दिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे दो कप फ्रेश कर्ड या दही यहाँ पे मैंने फ्रेश दही यूज़ की है दही खट्टी ना हो बस इसका ध्यान रखना है अब कपड़े को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से और दही में जितना एक्स्ट्रा पानी है ना उसको हम रिमूव कर देंगे इस तरह से स्क्वीज़ करके तो ये देखिए धीरे धीरे स्क्वीज़ करेंगे दही को तो जो एक्स्ट्रा पानी है दही में से वो निकल जाएगा बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हम छेना बनाने के टाइम में करते हैं ना वैसे ही हमें एक्स्ट्रा पानी इसका ऐसे स्क्वीज़ करके निकाल देना है और जब हमें लगे कि एक्स्ट्रा पानी इसका अलग हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इस तरह से इसको रख देंगे और इसके ऊपर एक भारी बर्तन या भारी सा कुछ भी आपके पास हो ना उसको रख दीजिए इसके ऊपर उसके बाद इसको दो तीन घंटे के लिए छोड़ देना है इसके बाद क्या होगा कि इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है वो अपने आप निकल जाएगा और उसके बाद ये हमारा हंग कर्ड तैयार हो जाएगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा और एकदम क्रीमी हमारा हंग कर्ड तैयार हो गया है तो अब हम इसको थोड़ा सा मैश करके इस तरह से स्मूथ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से हंग कर्ड हमारा तैयार हो गया है इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक मीडियम साइज़ का पका हुआ आम आपका जो भी फेवरेट आम है ना आप यहाँ पे ले सकते हैं आम को अच्छे से वॉश करके इसको छील लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है अब मैंगो को हमें अच्छे से ब्लेंड करके इसकी एक प्योरी बना लेनी है तो ये देखिए एकदम स्मूथ सी प्योरी मैंने तैयार कर ली है मैंगो की और इसको एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप स्वीट कंडेंस्ड मिल्क कंडेंस्ड मिल्क मार्केट में आसानी से मिल जाता है आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर घर में भी बना सकते हैं तो ये देखिए एक कप यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क मैंने डाल दिया है और अब इसमें हमें ऐड करना है हंगकड़ जो हमने तैयार करके रखा था तो ये देखिए सारा का सारा हंग कर्ड यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर के लिए ऐड करके हाफ टी स्पून क्रश की हुई इलायची और अब सारी चीज़ों को अच्छे से बीट करना है तो ये देखिए इस तरह से बीटर की मदद से अच्छे से बीट करना है आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यहाँ पे ले सकते हैं लेकिन अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं इस तरह से सिंपल से बीटर से भी आसानी से बीट होकर के एकदम स्मूथ हो जाता है तो ये देखिए अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को बीट कर लिया है और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है और ये जो बैटर बन गया है ना एकदम स्मूथ है तो यहाँ पर हमारा पुडिंग के लिए ये बैटर तैयार हो गया है अब हमें इस बैटर को ट्रांसफ़र करना है एक मोल्ड में तो मोल्ड में यहाँ पे मैंने लिया है छः इंच डायमीटर का एक राउंड केक टिन आप चाहे तो इसको थाली में या किसी स्क्वायर केक टिन या कोई भी आपके पास किसी तरह का डब्बा हो ना आप उसमें स्टीम कर सकते हैं तो इस तरह से पहले डब्बे को हम लाइन कर लेंगे इको बैग से तो यहाँ पे मैंने जो केक टिन लिया है उसको इको बैग से लाइन कर दिया है ताकि हमारा जो पुडिंग है ना ये डीमोल्ड करने में आसानी हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पुडिंग का बैटर ये देखिए इस तरीके से और थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे जिससे क्या होगा कि ये जो बैटर है चारों तरफ इवेंटली फैल जाएगा अब इसे हमें कवर कर देना है एल्यूमिनियम फॉइल से और इसको स्टीम करना है आप चाहें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल ना हो तो किसी प्लेट से भी ढक करके इसको स्टीम कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पुडिंग है ये स्टीम करने के लिए बिल्कुल तैयार है और यहाँ मैंने स्टीमर को भी रेडी कर रखा है यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और साथ ही एक स्टैंड भी रख दिया है पानी हमारा बॉयल होने लगा है अच्छे से स्टीम बनना शुरू हो गया है अब हम पुडिंग को इसमें रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम स्टीम करेंगे पुडिंग को 25 से 30 मिनट के लिए ज़रूरत पड़े तो हम पानी बीच में ऐड कर सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं पुडिंग को स्टीम होते हुए तो हम पुडिंग को एक बार चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं पुडिंग ने साइड्स को जो टिन की साइड्स है ना उसको छोड़ दिया है इसका मतलब पुडिंग अच्छे से कुक हो गया है अच्छे से पक गया है तो आप देख सकते हैं मैंने टूथपिक से भी चेक कर लिया है पुडिंग हमारा अच्छे से पक चुका है बहुत ही बढ़िया हमारा मैंगो योगर्ट पुडिंग बनकर तैयार हो गया है तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे जब हमारा पुडिंग ठंडा हो जाएगा तब इसको हम फ्रिज में रख देंगे करीब छः से आठ घंटे के लिए और इतनी देर में हमारा जो पुडिंग है ना अच्छे से सेट से हो जाएगा उसके बाद हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो ये देखिए छः से आठ घंटे के लिए मैंने पुडिंग को फ्रिज में रख दिया था और हमारा पुडिंग अच्छे से सेट हो गया आप देख सकते हैं तो अब हम पुडिंग को डीमोल्ड कर लेंगे तो एक नाइफ से मैंने पहले साइड्स को अच्छे से अलग कर लिया है और अब इसको एक प्लेट में पलट देंगे और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया मैंगो योगर्ट पुडिंग बनकर तैयार है जो बेकिंग पेपर हमने लगाया था उसको निकाल लेंगे ये देखिए कितना बढ़िया योगर्ट पुडिंग हमारा बना है अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं तो यहाँ पे इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने आलमंड और पिस्ता के स्लाइसेस लिए हैं और थोड़े से केसर के धागे भी लिए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने स्प्रिंकल कर दिया है पुडिंग के ऊपर और हमारा पुडिंग देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो दोस्तों है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंगो का सीज़न है एक बार ये डिजर्ट ट्राई करना तो बनता ही है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारा मैंगो योगर्ट पुडिंग बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए इसको हम कट करके सर्व करेंगे यहाँ मैंने पुडिंग को राउंड केक टिन में बनाया है आप चाहें तो इसको स्क्वायर केक टिन में भी बना सकते हैं या जो भी डब्बा आपके पास हो जो भी कंटेनर हो उसमें आप बना सकते हैं तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाला मैंगो योगर्ट पुडिंग है ये देखिए एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ ये देखिए कितना बढ़िया है और इसका टेस्ट एकदम मैंगो चीज़ केक की तरह आता है तो दोस्तों आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी तो ज़रूर 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 से इसको ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय